कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और वो बाइक पे जाते हैं। मैंने कहा सर अपनी बहन को आज भेजे ना, मैं जरा चेक तो करूं कि कैसे काम करते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो ये थी कि मैं हाफिज़ा कुरान थी, जेंडर की स्पेस होती है तो उसमें लिखा होता है मेल फीमेल या अदर्स, तो मैं अदर्स पे क्लिक करती हूँ। खैर जर्नलिस्ट बाय चॉइस का अल्टीमेट एक ही फायदा है और वो फायदा ये है कि आपको मंशियात की आदत नहीं पड़ती, आप कभी कोई नशा नहीं करते क्योंकि इतना बड़ा नशा है आपको कहीं जाने नहीं। तो वो अच्छी तकरार हुई और वहां से उन्होंने मुझे शट अप कह के निकाल दिया। तो मैंने कहा सर मुझे ना शौक ही ये है, मुझे ना लाशें अच्छी लगती है, मुझे जिंदा इंसान अच्छे नहीं लगते। तो थ्रेट्स भी अच्छे खासे आते हैं फोन पे, तो मेरी रोज टांगे भी टूटती है, मुंह भी खराब होता है, तेजाब भी गिरता है, असल में कब टूटेगा इसका नहीं पता। द बग रिपोर्टर मुझे यकीन करने से फिसले कहा जाता है क्योंकि मेरा डेढ़ डोल ऐसा है। वैसे मैं यंगस्ट रिपोर्टर हूँ लेकिन चूंकि मेरा वजूद थोड़ा ज्यादा है तो लगता नहीं है, लेकिन ये बड़ा कारामत भी साबित हुआ क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में अगर मैं थोड़ी टीना मीना होती खवातीन से माजरत के साथ तो शायद चल ना पाती। बहुत ज्यादा जर्नलिज्म के हवाले से बातें हुई, जर्नलिस्ट बाय चॉइस और जर्नलिस्ट बाय एक्सीडेंट बड़ा फर्क है इसमें। और जर्नलिस्ट बाय चॉइस हूँ मैं, आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट और मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे एफएससी में, एमकैट भी दिया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन भी हो गया था, लेकिन शौक था आर्मी का। आर्मी के हवाले से थोड़ी सी काउंसलिंग जब ली तो समझ आया कि ये यस सर वाली जॉब है और मैं यस सर वाली बंदी नहीं हूँ, तो फिर समझ आया कि शायद आई एम अ बॉर्न जर्नलिस्ट और फिर जर्नलिज्म को अपना करियर बनाया। उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो ये थी कि मैं हाफिज़ा कुरान थी और मैं जब हिफ्स किया तो टॉप किया और उसके बाद फिर अगर मीडिया ज्वाइन करना है तो मीडिया तो हमारे यहाँ यही है कि लड़की मीडिया में इसका मतलब शोबे स्लीवलेस कपड़े पहनेगी, रात को लेट घर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा। बहुत अपोजिशन हुई लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट थी, उनको समझाया और फिर जर्नलिज्म ज्वाइन किया। फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर्स किया है, 2015 से 19 मेरा सेशन है और 2019 में जब मेरा सेशन कंप्लीट हुआ तो मेरे पास 4 साल का जर्नलिज्म का अच्छे जर्नलिस्ट का एक्सपीरियंस था। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिटी 42 को बतौर रिपोर्टर ज्वाइन किया था, इंटर्नशिप की थी, जाबिर वकास वाला मेरा बैच था। खैर जर्नलिस्ट बाय चॉइस का अल्टीमेट एक ही फायदा है और वो फायदा ये है कि आपको मंशियात की आदत नहीं पड़ती, आप कभी कोई नशा नहीं करते क्योंकि इतना बड़ा नशा है आपको कहीं जाने नहीं देता। तो बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर मुझे तो ये समझ आया कि यार मैं कभी नशा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जर्नलिज्म का नशा लग गया। क्राइम रिपोर्टिंग इट्स वेरी चैलेंजिंग लेकिन इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी एडवेंचरस, बहुत मजे की फील्ड है। खवातीन के लिए चैलेंजिंग हो सकती है शायद इसलिए क्योंकि वो अपने आप को खवातीन समझती हैं और मजलूम समझती हैं। अब कभी भी कोई सर्वे फॉर्म आता है मेरे सामने तो मैं उसके अंदर जो जेंडर की स्पेस होती है तो उसमें लिखा होता है मेल फीमेल या अदर्स, तो मैं अदर्स पे क्लिक करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जेंडर सिर्फ रिपोर्टिंग है, बीइंग अ रिपोर्टर यही जेंडर है, ना तो ये मेल होता है ना फीमेल होता है, रिपोर्टर इज ऑलवेज अ रिपोर्टर। तो ये मामला है। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो 2015 में जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो आई वेंट टू रॉयल न्यूज़ क्योंकि उस वक्त और कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक शख्स मिले और उन्होंने कहा कि आप रॉयल का ज्वाइन कर लें। मीडिया के जो बड़े नाम यहाँ बैठे हैं वो वैसे ही कांपरी होंगे उनके टांग के नाम सुन के अच्छी रिप्यूट नहीं है कुछ। खैर मैं रॉयल न्यूज़ गई और मुझे वहाँ पर उन्होंने देख के कहा ठीक है आपने क्या करना है, मैंने कहा मैंने तो रिपोर्टिंग करनी है, उन्होंने कहा ठीक है। नाम लिए बगैर मैं बता दूँ कि वहाँ के ऑनर थे, उन्होंने कहा आप पीसी में चले जाएँ एक इवेंट हो रहा है, मैंने कहा ठीक है। मैंने बैग पकड़ा मैं बाहर गई तो एक 110 किलो का एक आदमी बाइक पे बैठा हुआ था और मेरा इंतजार कर रहा था, तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा जी आपने ना इनके साथ पीसी जाना है और इवेंट कवर करके आना है। अब मैं एक मिडिल क्लास घर की लड़की, हिफ्स किया हुआ मेरा एक रिलीजियस घर आना और ये मतलब मुझे कोई देख लेगा, तो मेरा तो वैसे ही गैरत के नाम पर कतल हो जाना था उसी दिन। लेकिन मैं वापस गई और मैंने ऑनर थे तो मैंने उनको कहा कि सर ये क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है रिपोर्टर और कैमरामैन कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और वो बाइक पे जाते हैं। मैंने कहा सर अपनी बहन को आज भेजे ना, मैं जरा चेक तो करूँ कि कैसे काम करते हैं। तो वो अच्छी तकरार हुई और वहां से उन्होंने मुझे शट अप कह के निकाल दिया। मैं वापस आ गई और उसके बाद मैंने सिटी 42 में इंटर्नशिप की कॉल हुई तो मैंने भी वहां पर इंटरव्यू दिया। 150 लोग थे, 10 सेलेक्ट होने थे, फॉर्चुनेटली 10 में सेलेक्ट हो गए। सब लोग जो थे वो मैस्कॉम सब ने किया हुआ था, मेरी क्वालिफिकेशन उस वक्त इंटर थी क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। खैर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, उनकी मेहरबानी है। उसके बाद जो प्री सेलेक्शन हुई, काम 3 महीने ट्रेनिंग दी, सर अहमद रजा खरल साहब जो बड़ा नाम है और उन्होंने ट्रेन किया, बहुत अच्छा ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि क्या बनना चाहती हो, मैंने उनको कहा क्राइम रिपोर्टर,
तो वो बड़ा मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि लड़कियां तो क्राइम रिपोर्टर नहीं होती। तो मैंने कहा सर मुझे ना शौक ही है, मुझे लाशें अच्छी लगती है, मुझे जिंदा इंसान अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आपके पास कार्ड भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, माइक भी नहीं है, फरखाबाद के इलाके में चले जाए शादरा में, क्राइम स्टोरी ढूंढ के लाए। अब उन्होंने तहजीब में कहा था मुझे फरखाबाद, वो मैंने जाना टेक्साली था, मैं चली गई मेट्रो में बैठे टेक्साली चले गए। अब कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें, ना माइक है ना कार्ड है ना कुछ और है, और एक कोई 20 साल की लड़की जाके स्टोरी ढूंढ रही। खैर वापस जाकर एक शख्स मुझे मिला म्यूजिक मार्केट में, उस साइड पर बैठा हुआ था और बड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं उसके पास जाके बैठ गई, थोड़ी गप्पे शप्पे लगाई और एक स्टोरी ले आई। स्टोरी बड़े मज़े की थी कि वो उसने कैसे वो बिजनेस कर रहा था प्रोस्टिट्यूशन का खुलेआम, बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का। वो सर को आके बताई तो वो उन्होंने बड़ी शाबाश दी, उन्होंने कहा बेटा आप क्राइम रिपोर्टर बन जाए। सिटी 42 में क्राइम सेल एक बहुत बड़ा है और बड़े मंजे हुए रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर। मीन वाइल काम कर रही थी तो किसी ने पूछा कि सेनेट में सीटें कितनी होती हैं। सिटी में तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, और वो ऐसा तमाचा था मेरे मुंह पर, क्योंकि हम सुबह उठते थे ऑफिस जाते थे और ऑफिस जाके गटरों की कवरेज करते थे, एहतजाज कवर करते थे, लोकल चैनल था, आप जाहिर है सबसे बड़ा मसला यही होता है, गंदगी के ढेर की तरह है, पानी का तालाब की तरह है, और लोगों को क्या मसाइल हैं, तो सेनेट का हमें क्या पता। और यूनिवर्सिटी में तो हम वैसे ही नहीं पढ़ते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी शुरू होती थी तो ऑफिस का टाइम शुरू जाता था और फौरी निकलना पड़ता था। मैंने रात को जाके घर में कहा कि मैंने ना इस्लामाबाद जाना है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैंने रिपोर्टिंग करनी है, यहाँ पर करियर नहीं है। एक ज़ोरदार तमाचा वो आदमी मेरे कानों में गूंजता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है इस्लामाबाद जाने के लिए। वेल कन्विंस किया और 20,000 रुपये पे मेरी सैलरी थी, मैं इस्लामाबाद चली गई। इस्लामाबाद 24 में रिपोर्टिंग की, वहाँ पर समझ आया कि सहाफत तो है ही कोई और चीज़, कैपिटल की सहाफत बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने मुझे दे दी एजुकेशन बीट। एजुकेशन बीट में मैंने 3 महीने काम किया और एक भी एजुकेशन की खबर नहीं लाई, हर क्राइम निकाला कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कौन सा क्राइम होता है। वहाँ से भी खैर फिर मुझे वापस लाहौर आना पड़ा। लाहौर आता ही ऑफर हुई पब्लिक न्यूज़ से और उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सिटी लेवल के रिपोर्टर्स को हायर नहीं करते, मैं सेलेक्ट हो गई थी। मैंने उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा उनको ना उसका एक्सपोजर नहीं होता खबरों का, वो भी छोटे लेवल पर सोचते हैं, उनको ट्रेनिंग में बड़ा टाइम लगता है, हमारा चैनल न्यू है अभी आपको हायर नहीं कर सकते। मैं वापस आ गई। अगले दिन फिर कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा, फवाद खुर्शीद साहब कंट्रोलर न्यूज़ थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ बहादुरी की वजह से हायर कर रहा हूँ, तुम बहादुर हो। खैर वो भी फॉर्चुनेट था, क्राइम रिपोर्टिंग में आ गए प्रोफेशनली। फिर हर खबर दी, आईजी पंजाब तैनात हुए तो सारे खबर दे रहे थे कि आईजी पंजाब हल्फ ले रहे हैं, और मैंने खबर दी कि आईजी पंजाब के सर्विस बैचेस उल्टे लगे हुए हैं, इनकी बीवी को फाइन करें, अर्दली को फाइन करें। तो मुझे वो शोकाज नोटिस भी आया, मैं बैन भी हुई, ऑफिस से भी अच्छी खासी सर्जनिश हुई, पब्लिक न्यूज़ बंद हो गया कुछ अर्से के लिए। उन्होंने कहा हम अपना ब्यूरो बंद करेंगे, बजट मैनेज नहीं हो रहा। तब 8 महीने की सैलरी पेंडिंग थी, 8 महीने सैलरी नहीं मिली थी और काम का ड्यूरेशन था 18 घंटे 20 घंटे 18 घंटे 20 घंटे, क्योंकि जो बाय चॉइस जर्नलिस्ट होता है वो पागल होता है, उसका दिमाग नहीं चलता, उसका सिर्फ दिल चलता है और दिल में सिर्फ जर्नलिज्म होती है। तो खैर रात को भी काम करना, और आई ट्रेवल बाय बाइक, मैं स्पॉट पे भी बाइक पे जाती हूँ तो थ्रेड्स भी अच्छे खासे आते हैं। फ़ोन पे तो मेरी रोज़ टांगें भी टूटती हैं, मुँह भी ख़राब होता है, तेजाब भी गिरता है, असल में कब टूटेगा इसका नहीं पता, लेकिन खासे थ्रेट होते हैं। पब्लिक न्यूज़ बंद हुआ तो मैंने सारे बहुत हंसे और सबने कहा कि सिटी नहीं छोड़ना चाहिए था, एक अच्छा इदारा था, तुम्हें कहा था लेकिन तुम लालची होकर नेशनल चैनल में गई थी, तो अब भुगतो। जी टी वी एक नया इदारा आया कराची बेस्ड है, उन्होंने बुला लिया 25,000 रुपये सैलरी पर, और ये मैं कोई 1999 की बात नहीं कर रही, 2 साल पहले की बात कर रही। 25,000 रुपये चले गए जी टी वी और वहाँ पर नदीम रजा साहब के साथ काम करने का मौका मिला, बड़ा नाम है, बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ पर क्राइम प्रोग्रामिंग शुरू की, 4-4 मिनट का प्रॉपर एक स्टोरी क्रिएट करना शुरू की, कब्रिस्तान पे पैकेजेस की और अच्छा काम किया। 2 महीने बाद वहाँ से भी लड़ाई हो गई, उन्होंने कहा आपका टेम्परमेंट बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा सर टेम्परमेंट ख़राब है, पैसे तो दिए, काम तो किए, पैसे भी नहीं दिए, वापस आ गए। अच्छा जी, अब मैं मतलब आज डिस्क्लोज कह रही हूँ, आई एम द एल्डेस्ट वन और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, तो मैं शाम को ओलेवल्स पढ़ाया करती थी और सुबह में रिपोर्टिंग होती थी, या अगर शाम की शिफ्ट होती थी सुबह में पढ़ाया करती थी। उस तरह ब्रेड एंड बटर इमरान ने बात की थी, तो वाकई ऐसा ही है कि आपको कुछ और करना पड़ता है।